हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसी सेविंग स्कीम के बारे में जिसके बारे में भैया मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हैं। और ये एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो कि आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसे कमा करके ज़रूर देगी आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। डिटेल में बात करेंगे क्या पॉलिसी है, क्या आपको टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होती हैं, कौन कौन लोग इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे और कौन कौन से लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा पाएंगे। साथ में मैं कैलकुलेटर पे भी लेके चलूँगा जहाँ पे मैं कैलकुलेट करके भी बताऊँगा कि कितने पैसे जमा कराने पर आपको महीने का कितना रुपये मिल सकता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पे बात करेंगे MIS स्कीम के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहां पे कि कौन लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया एक इंडिविजुअल, जैसे कि कोई भी एक पर्सन है इस अकाउंट को बड़ी ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जॉइंट अकाउंट में तीन कपल के साथ में भी इस अकाउंट को ओपन करवाया जा सकता है। तीन अडल्ट मिल करके इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले सेक्शन के अंदर, इस वाले यहाँ पर आप इस वाली लाइन के अंदर आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। अगर कोई गार्जियन है जिन्हें लगता है कि मेरा बेटा अभी 10वीं क्लास में है, दो साल बाद, तीन साल बाद जब वो अपनी हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन के लिए जाएगा तो उसको मंथली बेसिस पे कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, अब चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए भी आप इस वाले अकाउंट के अंदर इनरोल कर सकते हैं। माइनर के लिए भी खोला जा सकता है, दस साल का अगर कोई माइनर है 10 साल से अबव, तो उसके लिए भी इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि कम से कम कितना डिपॉजिट इस वाले अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1000 रुपये है और 1000 रुपये के मल्टीपल में आप कितना भी पैसा आप यहां पे जमा करा सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट की अगर बात करें तो वह 4.5 लाख रुपए यहां पे आप जमा करा सकते हैं, और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो वहां पे आप 9 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं, यानी 4 लाख रुपए ईच के अकॉर्डिंगली आप वन टाइम में इसके अंदर जमा करा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर MIS के अंदर क्या हम महीने महीने पैसा जमा करा सकते हैं? नहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको महीने महीने नहीं बल्कि एक लमसम पैसा जमा कराना होता है एक ही बार में। चाहे आप 10,000 कराएं, चाहे आप 20,000 कराएं, चाहे 4 लाख कराएं, 4.5 लाख कराएं, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपए तक आप इसके अंदर पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जॉइंट अकाउंट अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिपल जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो 4 लाख रुपये ईच के अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर पैसा जमा कराएंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं रेट ऑफ़ इंटरेस्ट के बारे में, तो 6.6% का रेट ऑफ़ इंटरेस्ट अभी फिलहाल के लिए MIS के अंदर आपको देखने को मिलेगा, 6.6% का रेट ऑफ़ इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर बात करते हैं डिपॉजिट की जो लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1000 रुपये के मल्टीपल में कितना भी पैसा आप जमा करा सकते हैं, 4.5 लाख रुपये एक सिंगल के लिए और 9 लाख रुपये अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जॉइंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर दोस्तों इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर बात करें, 6.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग हमेशा मतलब देखते हैं, पूछते हैं, वो ये है कि भैया अगर कभी भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम इस अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज़र करा सकते हैं या नहीं करा सकते? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, प्री मेच्योर क्लोज़र का ऑप्शन आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको फॉलो करनी होंगी, जैसे कि नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉल बिफोर 1 ईयर। दोस्तों 1 साल से पहले कोई भी कैश विड्रॉल यहाँ से नहीं हो सकता। अगर आपने कोई भी पैसा जमा कराया और आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने, 9 महीने बाद या 8 महीने बाद अगर आप चाहते हैं कि उस पैसे को विड्रॉ कर लिया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको 1 साल तक का कम से कम वेट करना होगा अगर पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे 2% का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी 2% पैसा आपका डिडक्ट हो जाता है उसके अंदर से जो भी ब्याज लगेगा। और 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच में अगर आप इसको डिडक्ट करते हैं, पैसे को निकालते हैं, तो 1% के चार्जेस के साथ में आप पैसे को डिडक्ट कर पाएंगे, पैसा निकाल पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैच्योरिटी पीरियड की अगर बात करें तो 5 साल की मैच्योरिटी होती है इसकी। 5 साल के बाद आपको ये पैसा टोटल 5 साल के अंदर आपको ये पैसा देखने को मिल जाता है, जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल के अंदर है। अच्छा, इनक्लोज जो होगी वो सेविंग अकाउंट के अंदर होगी, जो कि बैंक से भी आप खोल सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप इस सेविंग अकाउंट को खोल सकते हैं। और अगर आप सेविंग अकाउंट
अगर आप कोई सा भी अकाउंट अगर आप पोस्ट ऑफिस में खोल रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको एक सेविंग अकाउंट खोल करके ज़रूर देंगे, वहीं से आप इसकी सारी की सारी सर्विसेज को ऑप्टेन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों दस्तावेज़ों के बारे में भी मुझसे लोग पूछते हैं कि कितने कौन कौन से दस्तावेज़ आपको लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक आईडी प्रूफ होगा, एक रेजिडेंस प्रूफ आपको पे करना होता है, रेजिडेंस प्रूफ के साथ में एक आईडी फ़ोटो आपको चाहिए होती है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होती है, और इसे जाकर के आप ओपन करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। लेकिन कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन क्या भी ये प्रोसेस है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस भी आपको हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पोस्ट ऑफिस की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, और पोस्ट ऑफिस की एप्लीकेशन पे आपने सारी सर्विसेज अगर ले रखी हैं, एटीएम ले रखा है, एटीएम के साथ में नेट बैंकिंग कर रखी है, तभी जा करके आप यहाँ से ऑनलाइन ओपन इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ऑफलाइन ही जा करके करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, कैलकुलेटर पे लेकर के आया हूँ मैं, और जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कितना पैसा आपने जमा कराया तो कितना पैसा आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज दोस्तों आपने इसके अंदर 50,000 रुपये जमा करा दिया, 50,000 रुपये जमा कराने के बाद आपको 6.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, और जो मैच्योरिटी टाइम है आप देख सकते हैं 5 साल का है, तो आप देखेंगे तकरीबन 275 रुपये आपको, अगर 50,000 रुपये जमा कराते हैं तो 275 रुपये आपको मिलते रहेंगे हर महीने आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। वहीं पे अगर इसको दोस्तों अगर आप 4.5 लाख रुपये अगर आप देखते हैं, अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपये पूरे साल का जमा करा देते हैं, मतलब 1 लाख रुपये आप इसके अंदर जमा कराते हैं, 1 लाख रुपये भी 6.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 550 रुपये हर महीने आपके सेविंग अकाउंट के अंदर मिलते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कोई 1 लाख रुपये जमा नहीं कराएगा, MIS की जो सर्विस ऑप्ट करते हैं वो डेफिनेटली जॉइंट में ओपन करते हैं, और 3 अडल्ट के साथ में अच्छा खासा पैसा उसके अंदर वो जमा कराते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे अगर कोई 2 लाख रुपये जमा कराता है इस सेविंग स्कीम के अंदर, तो 2 लाख रुपये पर भी आपको यहाँ पर देखेंगे तकरीबन 1,100 रुपये, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1,100 रुपये यानी 1,100 रुपये हर महीने आपको सेविंग अकाउंट के अंदर आते रहेंगे अगर आप 2 लाख रुपये जमा कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके अंदर 3 लाख रुपये पूरे जमा कराते हैं तो यहाँ पे 3 लाख रुपये पे अच्छी सर्विसेज अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ तकरीबन 16,050 रुपये हर महीने आपको आपके सेविंग अकाउंट में आपकी जेब खर्च के लिए कह सकते हैं, या फिर आपके बच्चे के ट्यूशन फीस के लिए कह सकते हैं, किताबों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, इस सर्विस को ले सकते हैं, 1,650 रुपये हर महीने आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर कोई यहाँ पे पूरी पेमेंट करा देता है 4.5 लाख रुपये की, 4.5 लाख रुपये अगर कोई जमा कराता है तो डेफिनेटली उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा जो रिटर्न होगा। देखिए 2,475 रुपये हर महीने आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। अब अगर किसी ने जॉइंट अकाउंट ओपन किया, जॉइंट अकाउंट के अंदर आपने डेफिनेटली यहाँ पे 9 लाख रुपये जमा कराए हैं, पूरे के पूरे 9 लाख रुपये अगर आपने जमा कराए हैं तो आपको हर महीने तकरीबन आप देखेंगे कि आपको 4,950 रुपये यानी कि तकरीबन 5,000 रुपये हर महीने आपको आपके सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते रहेंगे। अब आप उसको कैसे भी करके विड्रॉ कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं, ग्राफ आपको देखने को मिलता है, रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है, कितने का इंटरेस्ट आपको मिला है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन है। इसी वाले कैलकुलेटर का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप वहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये वाला कैलकुलेटर मिलेगा जहाँ पे आप जाकर के अपनी अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों सारे डाउट सारी क्लेरिफिकेशन आपको खत्म हो गई होगी MIS सेविंग स्कीम से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई भी डाउट या कोई भी क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सकें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।